तो आज हम करते हैं अपनी किया का IVT वाली का ड्राइव रिव्यू। सारे कहते हैं अंडर पावर्ड है, जो भी है मैं आपको इसका सारा बताता हूँ कि इसको तेज कैसे चलाए, मतलब धीरे चलाओ तो क्या होता है, मतलब सारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसी चलाने में है, कैसी है, अंडर पावर्ड तो नहीं है। पहले हम शुरू कर लेते हैं इंजन नॉइज से। इंजन नॉइज तो चलो इसमें है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है इलेक्ट्रिक ही चला रहे हो, मतलब अंदर बिल्कुल आवाज नहीं आती इसमें। और फिर दूसरी बात आ जाती है स्टेयरिंग, ये देखो एक उंगली से ही एक हाथ से सब पूरी गाड़ी मुड़ जाती है। बड़ा ना इसका हल्का सा स्टेयरिंग है, मतलब सिटी में चला के बड़ा मजा आता है, हाईवे पे थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो मतलब स्टेयरिंग बहुत वधिया इसका। पहले ना मैं आपको इसका सुबह की टाइम पे वो दिखाता हूँ, क्या कहते हैं रिवर्स कैमरा, तो मतलब इसका रिवर्स कैमरा की क्वालिटी बड़ी शानदार है। सुबह और रात हो, मतलब पूरा टाइम इसकी क्वालिटी बढ़िया ही रहती है देखो। और गाइडलाइन गोल्डलाइन बड़ा स्मूथ और ना बड़ा क्लियर सा कैमरा है इसका। और जब आप इस कार को मतलब रिवर्स करो और फ्रंट करो, लेफ्ट करो, राइट करो ना, इजी इजी सी कार लगती है, हल्की हल्की सी लगती है, जो भी बोलो। पूरा स्टेयरिंग गियर सब कुछ हल्का हल्का फील आता है। देखो स्टेयरिंग मोड़ा, एक मिनट नहीं लगता पूरा स्टेयरिंग मुड़ जाता है, ना आवाज़ आती ना कुछ होता है, पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। मतलब बहुत अच्छी मतलब चलाने के लिए सिटी में। जैसे कार का साइज़ भी उतना ज़्यादा नहीं है ना, मतलब हेक्टर हैरियर जितना है, मतलब सफारी जितना, तो ऐसे छोटी छोटी गलियों में मोड़ना बड़ा इजी है ऐसे। अब ना हम इसके इंजन के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। मतलब इसका इंजन ना मतलब बहुत अल्ट्रा रिफाइंड है, कोई आवाज़ अंदर नहीं आती ना बाहर जाती, बाहर तो चल थोड़ी थोड़ी आती है। इसको जब आप पूरा 6000 तक खींचोगे तब जाके आवाज़ आएगी, वरना इसमें आवाज़ आएगी ही नहीं। जितना जोर से एक्सेलेटर दबाई जो आवाज़ आती ही नहीं इसमें। 6000 तक पहुँचेगी तब जाके आती है, वो भी थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा नहीं आती। लेकिन जो मतलब मैं आपको इसका इंजन बताता हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत हद से ज़्यादा। मतलब गेयर गुअर तो पता ही नहीं चलते इसमें कब चेंज हुए कब क्या हुए। मैं आपको बताता हूँ होंडा का जो CVT होता है ना, वो तो जू जू ही करता रहता है अगर आप थोड़ा उसको ज़्यादा पुश कर दो। इसका नॉर्मल गेयर बॉक्स जैसा ज़्यादा चलता है, कि मतलब जैसे आप नॉर्मल गेयर बॉक्स चला रहे हो, CVT वाली फील कम आती है रबर बैंड इफेंट, लेकिन उतना नहीं आता जितना होंडा के गेयर बॉक्स में आता है। ये कार ना ट्रैफिक के लिए बहुत शानदार है। देखो एक उंगली एक हाथ से पूरा स्टीयरिंग मुड़ता रहता है, कुछ समझ पता ही नहीं चलता आप स्टीयरिंग मोड़ भी रहे हो। बहुत स्मूथ स्टीयरिंग है इसका। तो देखो आपने ट्रैफिक में जाना है तो ये कार बहुत अच्छी है। थोड़ा ना इसका सस्पेंशन थोड़ा हार्ड वाली साइड पे है, तो मतलब जैसे सिटी में तो थोड़े झटके लगते हैं, लेकिन जब आप हाई स्पीड पे जाओ तो ना स्टेबल हो जाती है बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सही रहता है। ये वाला सस्पेंशन सबसे अच्छा होता है, मतलब सॉफ्ट भी थोड़ा सा होता है और हार्ड भी होता है। स्टेयरिंग देखो कितना लाइट है, एक सेकंड में ही बंदा लेफ्ट राइट कर लेता है, कुछ पता ही नहीं चलता यार। मेरे को दिखा ये देखो, अगर आप इसमें बहुत आराम से चलाओ ना, मतलब बिल्कुल भी जोर से एक्सीलेटर ना दबाओ, तो कुछ इसमें पता ही नहीं चलता, चलती रहती आराम से, कोई बहुत स्मूथ सी चलती है, पता ही नहीं चलता है कि गियर पर हुआ, कुछ समझ ही नहीं आता। बड़ी आवाज आती नहीं बिल्कुल, ना माइलेज आती ना आवाज आती है। यार इसका गियर बॉक्स बड़ा शानदार है, मतलब इससे अच्छा मैंने आज तक नहीं चलाया। जो मैं डीजल ऑटोमेटिक ने किया, उसका टॉर्क कन्वर्टर है तो झूं 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 ही करता रहता है, तो मैं झटके ही बड़े लगते हैं। इसमें तो पता नहीं चलता गियर कब ऊपर गया कब नीचे गया, बड़ा स्मूथ है, जो चाहो ये वो गियर बॉक्स करता है। मतलब इनका IVT में वो पसंद आया। यार इसकी कैमरा क्वालिटी देखो कितनी शानदार है, मतलब रात में भी इतना स्मूथ सा है, इतना वधिया सा कैमरा है इसका, मतलब बहुत ही अच्छा कैमरा है इसका। अभी ना हम ये देखो ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं हम ज़्यादा, अब मतलब जब बेसमेंट से ऊपर नहीं जाते तो इधर जाके इसमें मेन दिक्कत आती है, इसमें टॉर्क नहीं ना बहुत ज़ोर से एक्सेलेटर दबाना पड़ता है, इसमें तो टायर स्किड भी हो गया था, तो मतलब टॉर्क की कमी यहाँ पे फील होती है। वैसे नॉर्मल सिटी में चलो कुछ नहीं पता चलता। जाते जाते मेरे को महिंद्रा XUV दिख गई, मतलब बहुत ही सुंदर लगती है सड़क पर, तो ये तीन महिंद्रा इकट्ठे थी, मज़ा आया देख के बहुत ज़्यादा। मतलब जो इसका कलर है ना मेरे को पर्सनली बड़ा पसंद है, लाइटे लुटे भी। मैं आपको ना बताता हूँ, जैसे भी शहर में चला रहे हैं तो वो कंफर्ट बहुत अलग ही लेवल का है ऑटोमेटिक का। ये देखो ना आपको दूसरे पैर की लोड पड़ती कभी भी, ना आपको कभी जरूरत पड़ती, मतलब बहुत कंफर्टेबल है। और स्टीयरिंग स्टोरिंग जो मिला के फीलिंग आती ना कंफर्ट की, वो अलग ही आती है। इस किया में आवाज भी नहीं आती, थोड़ी सेफ हो जाए ना और थोड़ा सामान सही कर ले अपना, तो बहुत अच्छी कार बन जाए। पता नहीं क्या चाहते जिंदगी में, चलाने चलूने में वो बढ़िया है। मैं आपको ना अभी एक ट्रिक दिखाता हूँ कि इस बाकी कार में तो ना एक्सेलेटर पूरा अच्छे से ठाक कर दोगी बहुत तेज जाएगी, इसमें वैसे नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना आपने आधा एक्सेलेटर दबाना होता है, फिर थोड़ी बहुत असही स्पीड से आगे जाती है। अगर आप पूरा दबा दोगे ना ऐसे, इसको क्या कहते हैं पूरा दबा दोगे, तो क्या होगा कि ये जूं जूं यहाँ तक पहुंचेगी 6000 तक,
और होगा कुछ सही से होएगा नहीं, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चलाएंगे इसे सही से। तो ना मैं आपको अभी सबको बताता हूँ कि इसको चलाते कैसे सही तरीके से। पहले ये देखो आप, ये देखो आप, ये इसके गियर है, डी में हम चला रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स मोड नहीं लगा रहा मैं, स्पोर्ट्स का इसका कोई फायदा नहीं होता है, जू जू ज्यादा करती है, बस नाम का ही है। अब आप देखो, पहले तो ये देखो, मैं आपको ना जैसे सारे कहते हैं ना तेज चलाना है, वैसे चला के दिखाता हूँ। अगर आप इस वैसे एक्सेलेटर दबाओगे, ऐसे ज्यादा तेज जाएगी नहीं, आवाज वो करेगी, तेज नहीं जाएगी ज्यादा। मैं आपको इसका सही तरीका बताता हूँ तेज कैसे चलाना है। और इसका स्टेयरिंग देखो कितना, ऐसे जैसे मुड़ू वैसे चलती है, 1 सेकंड लगता है पूरा ऐसे घूम जाती है गाड़ी। मैं आपको ना इसका सही तरीका बताता हूँ, 1 सेकंड रुको। सड़क के बीच में लोग खड़े रहते हैं, समझ नहीं आता चलती क्या नहीं। कार को चलाने का बेस्ट तरीका तो क्या, आधा एक्सेलेटर दबा के रखो, ये देखो खुद ही चलती रहती आराम से, कुछ दिक्कत नहीं होती, ना आवाज आती और स्पीड भी ज्यादा तेज फटती है अगर आप आधा एक्सेलेटर दबाओ। अगर आप पूरा दबाओगे देखो तो आवाज ज्यादा करेगी, करेगी कुछ नहीं। तो इसको आधा करके चलाओगे तो सही चलेगी, IVT है ना। तो ये देखो जैसे ओवरटेक करके गया कदा, इसको गाड़ी नहीं चलानी आती, लेफ्ट से कभी ओवरटेक नहीं करते। मैं आपको चलो मेन पॉइंट पे आते हैं, इसको आधे से चलाना है आपने, अगर चलाना है तो फुल एक्सेलेटर नहीं दबाना। अब इसकी कैमरा क्वालिटी देख लो, रात में बिल्कुल पिच डार्क है, बाहर बिल्कुल लाइट नहीं है, तो ये कैमरा क्वालिटी बहुत शानदार है। इसके लिए मैं सबसे गलत चीज बताता हूँ, ये देखो एक ही लाइट लगाई हुई है यहाँ पे, सिर्फ एक छोटी सी डंडी सी लगाई हुई है, बहुत नुकसान है, गलत चीज है। और ये हेडलाइट का देख लो, ब्राइट तो बहुत ज्यादा है लेकिन इनका थ्रो नहीं इतना शानदार, मतलब मैंने उस दिन टीवी का थ्रो इससे बेटर है, मतलब इसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी है लेकिन थ्रो नहीं ना अच्छा। ओवरऑल आपको कार के ड्राइव एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं ना, तो ना बहुत इजी सी कार है चलाने में, कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्मूथ स्टेयरिंग है, ऐसे ही मुड़ता रहता है, ना कोई झटके फील होते हैं IVT में। पर परफॉर्मेंस ना जैसे जैसे उधर ऊपर चढ़ रहे थे तो इतनी वो टॉर्क नहीं है इसमें, तो इसे ऊपर चढ़ने में दिक्कत आएगी, लेकिन ओवरऑल अगर आपने नॉर्मल सिटी में चलानी है तो ये बहुत शानदार है चलाने के मामले में। अगर आपको सेफ चाहिए तो आप इसको देखो भी ना। So thank you for watching, see you later.